दोस्तों, नेचुरल लाइफ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक नेचुरल हेयर रेमेडी बनाना बताऊंगी, जिससे आपके बालों की हेयर ग्रोथ डबल होगी। साथ ही साथ अगर आपके बाल ज्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं या कमजोर हैं, तो स्ट्रांग बनेंगे और शाइनी बनेंगे। और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ जिसे आपको अपने बालों को धोने से पहले लगाना है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये हमें कैसे लगाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें 3 चम्मच एलोवेरा का जेल लेना है। ये मैंने एलोवेरा के लीफ से एलोवेरा जेल निकाल लिया है। एलोवेरा जेल घर पे बनाने का वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आप एंड स्क्रीन से वो देख सकते हैं। अब हमें लेना है 3 चम्मच कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को मैंने गरम कर लिया है ताकि ये इस तरह से लिक्विड बन जाए। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को स्ट्रांग बनाता है और हमारी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। अब हमें लेना है विटामिन ई की 1 कैप्सूल। अगर आपके बालों का हेयर ग्रोथ ज्यादा कम है और आपके बाल ज्यादा कमजोर हैं, तो आप यहाँ पे 2 कैप्सूल यूज कर सकते हैं। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में इस तरह के पैकिंग में आसानी से मिल जाएगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी हेयर रेमेडी बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें कैसे लगाना है। सबसे पहले अपने बालों को कॉम्ब की मदद से सुलझा लें। उसके बाद अपने फिंगर की मदद से इसे बालों में पार्टीशन करके स्कैल्प पे लगाएं, क्योंकि हमारी हेयर की ग्रोथ स्कैल्प से ही होती है। पूरे स्कैल्प में लगाने के बाद 5 मिनट तक मसाज जरूर करें। एलोवेरा हमारे बालों को झड़ने से रोकता है और बालों को स्ट्रांग बनाता है। अगर आपके बाल ज्यादा पतले या कमजोर हैं, तो आप इसे वीक में 2 बार जरूर ट्राई करें। ये हमारे बालों को स्ट्रांग और शाइनी बनाएगा और साथ ही साथ अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी ये दूर करेगा। एलोवेरा एक नेचुरल कंडीशनर है। ये हमारे बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाता है। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसके अलावा हमने इसमें विटामिन ई की कैप्सूल ऐड की है। विटामिन ई हमारे नए बालों को उगाने में मदद करता है और साथ ही हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी रखता है। इस रेमेडी को लगाने के बाद इसे 2 से 3 घंटे तक बालों में रहने देना है। अब इसे आप नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में समय नहीं है तो आप इसे रात में भी लगा सकते हैं। रात में लगाने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए और सुबह में किसी भी नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लीजिए। एक ही बार लगाने पर आप अपने बालों में चमक देख सकते हैं। अगर आप घने, लंबे, स्ट्रांग और शाइनी बाल चाहते हैं तो इसे कंटिन्यू जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे नेचुरल लाइफ चैनल को नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम फिर से मिलेंगे इसी तरह के नए यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।